अच्छा चंदा, वैसे आज ये फल वगैरह किस लिए है? आज तो मेरे पिताजी की बरसी है राजा साहब, इसीलिए मैं आज पिताजी की बरसी मना रही हूँ। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए राजा साहब कि मेरे पिताजी और माताजी स्वर्ग में सुख और शांति से रहे। वाह 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 चंदा वाह, तुम्हारी बातों से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। बहुत खुश हुआ हूँ मैं। वाह वाह, आज तो आपने एक मिसाल कायम की है। बाबा रे बाबा, सबको फल और मिठाई देकर अपना नाम बना रही है ये चंदा, समझती क्या है खुद को। पिताजी की और माँ की बातें मुझे भी बहुत याद आती हैं, बहुत ही ज्यादा। तुम्हें कुछ याद नहीं आता है? अगर तुम्हें भी चंदा की तरह याद आता तो तुम भी ऐसे ही करती आज। चंदा को देखकर कुछ सीखो तुम मंदा, समझी? जब तक मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगी ना, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी और शांति नहीं मिलेगी। किंतु क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ गई, दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया तरकीब आई है मेरे, सबक सिखाऊंगी। अरे ये क्या हो गया, मैंने सपने में ये क्या देख लिया, क्या देखा मैंने। अरे रोते रोते दीदी कहाँ जा रही है? नहीं, उसका पीछा करती हूँ और क्या हुआ है पता करती हूँ। अरे ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों देखा। क्या बोल रही हो तुम मंदा, कल तुमने सपने में अपने माँ पिताजी को देखा, सच में ऐसा हुआ? मैंने सपना देखा जिसमें माँ पिताजी ने मुझसे कहा कि घर वर छोड़कर उन दोनों को स्वर्ग में रहने में बहुत तकलीफ हो रही है और वो चाहते हैं कि उनकी प्यारी छोटी बेटी चंदा उनके साथ आकर रहे, ये उनकी इच्छा है। ये क्या? और महाराज उन्होंने ये भी कहा है कि अगर चंदा उनके पास नहीं गई तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, इसीलिए उन्होंने आने के लिए कहा। और अगर ये नहीं गई तो फिर सबके सामने ये साबित हो जाएगा कि ये जो कर रही है वो सिर्फ एक नाटक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। मुझे सबक सिखाने के लिए इतनी घटिया चाल चली तूने, ठीक है, तू अगर सांप है तो मैं भी नेवला हूँ। लेकिन जिंदा आदमी तो स्वर्ग में नहीं जा सकता है, उसके लिए तो तुम्हें पहले मरना होगा ना, उसके बाद ही तुम स्वर्ग में जा पाओगी। चिंता मत कीजिए राजा साहेब, पिताजी और माताजी ने जब मुझे बुलाया है तो मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ, कोई तकलीफ नहीं मुझे। इसका मतलब तुम मरने के लिए तैयार हो? बिल्कुल राजी हूँ। लेकिन तुम मरोगी कैसे? क्यों, मेरे पिताजी तो समुन्दर में डूब गए थे, उसी समुन्दर में डूब कर मैं पिताजी और माताजी के पास चली जाऊंगी। दो दिन बाद बहुत अच्छा समय है, मैं उसी दिन
समुंदर में चली जाऊंगी। राजा साहब, आप मेरे हाथ और पाँव बांध कर पानी में फेंकने का इंतजाम कीजिए। देखो देखो, ये चंदा अपने माता पिता से कितना प्यार करती है, देखो। एक महीना हो गया है चंदा को जाकर, घर कितना सूना सूना लग रहा है। अच्छा, मैंने क्या कोई पाप कर दिया है? नहीं नहीं, मैंने पाप तो नहीं किया है। मैंने कौन सा उसे जबरदस्ती पानी में फेंका है? सबसे वाहवाही लेने के लिए वो तो अपने आप ही पानी में कूद गई। मैं क्या करूं? मेरी कोई गलती नहीं है। मंदा, ओ मंदा बहन, सुनी तुमने वहाँ की खबर? है, कौन सी खबर है मुंशी जी, बताइए तो जरा। अरे चंदा अपना शरीर लेकर स्वर्ग से वापस लौट आई है। है? ये कैसे हुआ? बताओ बताओ चंदा, बताओ तुम स्वर्ग से वापस कैसे लौट आई यहाँ पर जमीन पर? बताओ, मैं तो ये सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। पानी में जाकर मैं तो नीचे जाने लगी थी, अचानक क्या 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 हुआ? मैंने देखा पानी के नीचे स्वर्ग का दूत खड़ा हुआ है। वो पानी के अंदर से एक सुरंग से मुझे मेरे माताजी और पिताजी के पास लेकर गया। फिर क्या हुआ? मैं क्या कहूँ, मुझे देखकर माताजी और पिताजी कितने खुश हो गए। क्या, ये सब क्या बोल रही है ये? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हुआ? कुछ दिनों के बाद पिताजी ने मुझसे कहा कि मंदा, स्वर्ग का इतना स्वादिष्ट खीर और मिठाई खाकर मेरे जीभ में छाले पड़ गए हैं। एक दिन गरम गरम आलू का पराठा, साथ में अचार, थोड़ी सी चटनी और थोड़ी सी रायता खिला दो तो मुझे। और तुम वो सब खाना बना के और खिला कर आ गई वापस? वहीं पर तो समस्या हो गई राजा साहेब, वही खाकर तो पिताजी को गुस्सा आ गया राजा साहेब। खाने की थाली फेंक कर मारा और कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, बुद्धि हो गई, सर के सारे बाल सफेद हो गए, अब तक खाना बनाना नहीं सीखा तूने, जा पृथ्वी लोक पर जाकर मंदा को भेज दे, उसके हाथ से अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी। हाँ? आ नहीं, हाँ जा दीदी जा, डर किस बात का? बिना डरे अच्छे मन से अगर स्वर्ग जाना चाहती है तो देखना, दूत आकर तुझे भी स्वर्ग में लेकर जाएगा। जा अपना मनोबल बढ़ा और पानी में कूद जा। क्या बोल रही है, इतनी ताकत मुझ में नहीं है, मैं नहीं कूदूंगी। छी मंदा छी,
तुम्हारे सपने के बारे में सुनकर चंदा स्वर्ग में जाकर आ गई और तुम नहीं गई। वो सपना वपना सब कुछ झूठा था महाराज, ऐसा कुछ नहीं था। चंदा को सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा कहा, ये सारी बातें झूठी थी, मुझे कोई सपना नहीं आया था। इसका मतलब तुमने अपने मरे हुए माँ पिताजी के बारे में कहानी बनाई। इसके लिए तुम्हें 5 साल के लिए जेल में जाना होगा। चंदा जरा एक बात बताओ मुझे, तुम ऐसे ही स्वर्ग में जाकर जिंदा वापस कैसे लौट आई हो? मैंने चुपके से एक मछुआरे के साथ बात करके रखी थी और मेरे पानी में जाने के बाद वो मुझे खींचकर ऊपर ले गया और मुझे अपने घर पर रखा। 1 महीना उसके घर में चुपके से रहने के बाद आज मैं सबके सामने आई। यही था मेरा स्वर्ग में जाने का इतिहास। सच में चंदा, सच में तुम्हारी बुद्धि की तो कोई तुलना ही नहीं है। सच में मंदा इतनी शैतान और तुम उससे भी ज्यादा दुष्ट निकली है। इसे कहते हैं एक सांप तो दूसरा नेवला। सही कहा तुमने, सही कहा।